भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, जहां से कड़ी में तराना विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मंडला, महामंत्री नाहर सिंह पवार, सदस्यता अभियान प्रभारी वासुदेव पांडे ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मंडला ने सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उज्जैन जिले में भी यह अभियान प्रारंभ हुआ। देश भर में लगभग 10 करोड़ नए लोगों को भाजपा का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वही मध्य प्रदेश का लक्ष्य 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का है और उज्जैन ग्रामीण जिले का लक्ष्य लगभग 2 लाख सदस्य बनाने का है, जिसको लेकर कार्य शुरू कर दिया है। नवीन सदस्य बनाने का भी पार्टी का लक्ष्य है और इसी प्रकार से हम उज्जैन ग्रामीण जिले में भी निश्चित रूप से जहां 2 लाख से भी अधिक हम लगभग, क्योंकि 5 विधानसभा हमारी 2.5 लाख लगभग हमारी 50-50 हज़ार हम प्रत्येक विधानसभा में सदस्य बनाने वाले हैं। और उसके लिए 21 तारीख को प्रदेश में हमारी कार्यशाला हुई थी, 24 तारीख को जिले में कार्यशाला संपन्न हुई है और निश्चित रूप से 25 और 26 में हमारी मंडलों की बैठक संपन्न हो गई। 27 और 28 में हमारी शक्ति केंद्रों की हमारी कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी है और 29 और 30 तारीख में हमारी 29 और 30 तारीख में हमारी शक्ति केंद्रों की कार्यशाला जो बची हुई वो संपन्न होने के बाद 31 तारीख को हमारे 1349 बूथ की कार्यशालाएं और बूथ की बैठक होकर के हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सारे जनप्रतिनिधियों ने निश्चित रूप से कार्यशाला में हमने प्रोजेक्टर लगा करके हमारी जितनी भी कार्यशालाएं हुई, चाहे उसमें मोर्चा प्रकोष्ठों की कार्यशाला हो, चाहे जिले की कार्यशाला हो, चाहे मंडल की कार्यशाला हो, हम नवीन सदस्य बनाने का भी पार्टी का लक्ष्य है और इसी प्रकार से हम उज्जैन ग्रामीण जिले में भी निश्चित रूप से जहाँ 2 लाख से भी अधिक हम लगभग, क्योंकि 5 विधानसभाएं हमारी 2.5 लाख लगभग हमारी 50-50 हज़ार हम प्रत्येक विधानसभा में सदस्य बनाने वाले हैं। और उसके लिए 21 तारीख को प्रदेश में हमारी कार्यशाला हुई थी, 24 तारीख को जिले में कार्यशाला संपन्न हुई है और निश्चित रूप से 25 और 26 में हमारी मंडलों की बैठक संपन्न हो गई। 27 और 28 में हमारी शक्ति केंद्रों की हमारी कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी है और 29 और 30 तारीख में हमारी 29 और 30 तारीख में हमारी शक्ति केंद्रों की कार्यशाला जो बची हुई वो संपन्न होने के बाद 31 तारीख को हमारे 1349 बूथ की कार्यशाला और बूथ की बैठक होकर के हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सारे जनप्रतिनिधियों ने निश्चित रूप से कार्यशाला में हमने प्रोजेक्टर लगा करके हमारी जितनी भी कार्यशालाएं हुई, चाहे उसमें मोर्चा प्रकोष्ठों की कार्यशाला हो, चाहे जिले की कार्यशाला हो, चाहे मंडल की कार्यशाला हो। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।